हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। आज फिर मैं आपके साथ एक पोस्टर शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे दो मोर जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट में मुड़े हुए हैं। मेनली मैंने इसे ग्रीटिंग कार्ड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। आई होप कि आप इसे भी बनाना इंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बॉर्डर की लाइन्स पहले खींची हैं। और अब हम इसमें एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारा बॉर्डर जो है वो खूबसूरत भी बने और सेंटर की पेंटिंग से अलग भी हो। ये बॉर्डर्स हमेशा फ्रेमिंग का काम करते हैं। जब भी हम मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं और उसके साइड में हम जो बॉर्डर्स बनाते हैं वो मेनली एक तरीके से एक फ्रेम का काम करते हैं किसी भी पेंटिंग के लिए, जो कि खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। और अब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेंटर का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें मैंने सबसे पहले नीचे एक हाफ ओवल शेप बनाया है और अब उसके ऊपर कमल की पत्तियों का डिज़ाइन बना के फिर उसकी डबल लाइनिंग करेंगे और ऊपर एक अंबी का शेप बनाएंगे हम। इस अंबी के शेप से ही हम मोर ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अब ये दोनों मोर सेपरेट पता लग रहे होंगे और अब आपको ये भी पता लग रहा होगा कि बैक पोर्शन से इसमें जुड़े हुए दिख रहे हैं जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं। इसमें एक मोर का शेप हमने थोड़ा बड़ा बनाया है और दूसरे का थोड़ा छोटा। अब इसको हम पूरा डिज़ाइन से कवर करेंगे और उसके बाद जब ब्लैक का वर्क हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसमें कलरिंग का वर्क करेंगे। इस पोस्टर में भी मैंने बहुत सारे ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसे देखना और बनाना दोनों एंजॉय करेंगे और ग्रीटिंग भी चाहें तो इस पर बेस्ड बना सकते हैं आप। अब इस पोस्टर के ब्लैक कलर का वर्क हमारा लगभग ख़त्म होने को है और अब हम इसमें कलरिंग का वर्क कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो मैं यूज़ करूँगी वो है रेड कलर। सबसे पहले मैं रेड कलर से वर्क करना स्टार्ट करूँगी और जब रेड कलर का टोटल वर्क पोस्टर में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं कोई दूसरा कलर यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। इससे काम जल्दी होता है और सूझा हुआ होता है। ब्रश को भी बार बार वॉश करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। Thank you.
देख पा रहे हैं अब हमारे दोनों मोर में डिजाइनिंग कलरिंग का टोटल वर्क कंप्लीट हो चुका है। बॉर्डर की भी कलरिंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बैकग्राउंड को इस ज्योमेट्रिकल पैटर्न की मदद से हम फिलअप करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो पोस्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो बाहर हमने मार्जिन छोड़ी थी उसमें मैं ब्लैक कलर करूँगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपने मेरे साथ बनाया हो और मेरे पहले के काम की तरह आपको मेरा ये काम भी पसंद आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।